लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने झारखंड के लिए दो सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने गोड्डा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पार्टी ने गोड्डा से प्रत्याशी बदलकर प्रदीप यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले इस सीट से दीपिका पांडे को टिकट दिया गया था। कांग्रेस ने अंतिम समय में झारखंड के गोड्डा से दीपिका सिंह पांडे की जगह प्रदीप यादव को अपना उम्मीदवार बनाने का बड़ा फैसला किया। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बदलने के बाद अब इस सीट पर मुकाबला बीजेपी के निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव के बीच होगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने रांची लोकसभा सीट से सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को उम्मीदवार बनाया है। रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय उर्फ गौरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी बनने के बाद गौरी ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता लोगों की समस्या को दूर करना है। पार्टी ने बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी है। लोकसभा चुनाव में सबसे यंग प्रत्याशी हूं। उन्होंने कहा कि युवाओं की सबसे बड़ी परेशानी बेरोजगारी है, उनके पास नौकरी नहीं है। यशस्विनी सहाय ने कहा कि उनका फोकस रांची के विकास पर होगा। सो अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं के जो सबसे बड़ी जो परिस्थितियां हैं वो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, एक तो बेरोज़गारी सबसे बड़ी, युवाओं के पास जॉब्स नहीं हैं, और अगर जॉब्स होते भी हैं तो भी जॉब उनके आइदर रह नहीं पाती हैं या बहुत ज़्यादा मास ले ऑफ भी हो रहा है। सरकारी जॉब्स में भी प्रॉब्लम है क्योंकि पूरी वैकेंसीज फिल हो नहीं रही हैं, और जितने आप MNC कह लो, कॉर्पोरेट जॉब कह लो, उनमें भी जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रहा है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करना तो मेरा एक डेफिनेटली एक मिशन रहेगा और विजन है, यूथ को फोकस करके और रांची की यूथ को फोकस करके कि उनके क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं उसको मैं कैसे सॉल्व कर पाऊँ, समझ पाऊँ और उसी दिशा में काम करूँ।